उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा प्रदेश जहां पर है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क। तेरा एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। 3200 किलोमीटर में 13 एक्सप्रेसवे फैले होंगे, इनमें से 6 चालू हैं और 7 पर काम चल रहा है। 2017 उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे अहम साल। इसी साल पहली बार योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर बने। फिर क्या था, उत्तर प्रदेश की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। ऐसी बदली कि कभी बीमारू कहलाने वाला ये राज्य आज तेजी के साथ ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। योगी सरकार ने सबसे पहले यूपी में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क खड़ा किया। आज उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसी बनने लगी हैं। योगी जब सीएम बने तब यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थी। पहला यमुना एक्सप्रेसवे, यह एक्सप्रेसवे आगरा को नोएडा से जोड़ता है। दूसरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यह एक्सप्रेसवे लखनऊ को आगरा से जोड़ता है। इनमें 165 किलोमीटर लंबे नोएडा आगरा 6-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बनाया था। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश को कई एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है। इनमें प्रमुख एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। वहीं दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। तीसरा प्रमुख एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, यह इटावा को चित्रकूट से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश को जल्द कुछ और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। इनमें प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर लंबा होगा। गंगा एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, यह 63 किलोमीटर लंबा होगा। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर लंबा होगा। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर लंबा होगा। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा होगा। गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर लंबा होगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर लंबा होगा। और आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे 88 किलोमीटर लंबा होगा। जल्द ही इन एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश को मिलेगी।